कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के शुभकामनाओं का बैनर पोस्टर कैसे तैयार करें, वो भी अपने मोबाइल से। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूं, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्सल लैब। जी हाँ, पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ये इस पर क्लिक करना है, यहाँ कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ से मैंने तिरंगे के कलर बना रखे हैं। ये कलर बनाने के लिए आपको इस प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा और आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा तिरंगे का कलर, और उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, और इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी मोबाइल की गैलरी खुलकर आएगी। आप यहां गैलरी से अपने जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर रखे हैं गूगल से, वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने फ़ोटो कुछ डाउनलोड किए थे, ये मैं अपने बैकग्राउंड में एडजस्ट कर देता हूं। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया था और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। लिखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ए पर, और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम लिख देंगे समस्त भारत वासियों को उसके बाद आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, साइज़ बढ़ा देंगे। यहाँ से साइज़ इसका आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये है साइज़, और आप अपने उंगली से भी इसको साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ करे हैं इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आप माई फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और अपने माई फॉन्ट्स पर चले जाएँगे। ये यहाँ पर ये इस तरीके का फॉन्ट्स आएंगे आपके सामने, खूबसूरत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको लिंक पे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत फॉन्ट मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, उसके बाद ओके कर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से ए पर क्लिक करना है, और ए पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस पर लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इसका स्टाइल भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये देखिए, हमने फॉन्ट चेंज कर दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका रेड, या फिर हम इसको ग्रेडियंट में तिरंगे कलर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे बोल्ड। बोल्ड से क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। उसके बाद आप यहां से लगा देंगे इस पर आउटलाइन, स्ट्रोक पर क्लिक करके आउटलाइन लगती है, आपको मैंने पहले बता रखा है। ये मैंने यहां रख दिया है स्वतंत्रता दिवस। यहां से थोड़ा सा पैडिंग इसकी जो है, इसकी थोड़ा सी ये जो कट रहा है इधर से, ये थोड़ा बढ़ा देंगे। बस इतना करने के बाद इसकी पैडिंग यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर से कट रहा है अभी। ये देखिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है अपना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इस पर, और सॉरी यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से आप इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये इम्पोर्ट है, यहाँ से आप अपना फ़ोटो लेकर आइए। जो मैंने फ़ोटो यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं अपने गैलरी में, आप अपने पहले से एडजस्ट करके रखिए।
जहाँ पर भी आपके फ़ोटो हो वो वहाँ से उठा लीजिए। मैंने PNG सेट कर लिया है, ये वाला फ़ोटो ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ से उसको ओके करना है और ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया दोस्तों। ये देखिए कितने आसानी के साथ मैंने बहुत अच्छा सा खूबसूरत बैनर बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन सबको ताले से कर देंगे लॉक, यानी अब ये यहाँ पर फिक्स हो गए। उसके बाद आपको ए पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर जाना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना नाम लिख देंगे। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद ओके करेंगे और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद आप इसको फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे, माय फॉन्ट्स पर जाएंगे और मैंने आपको बता रखा है आपको जो फॉन्ट्स यूज़ करना है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये वाला फॉन्ट्स मैंने अपने नाम के लिए ले लिया है और उसका भी हम अब एक काम करेंगे, स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा है अब ये। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको एडजस्ट करना है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। मैं एक चीज़ मैंने एक और डाउनलोड करके रखी हुई थी यहाँ पर, वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 15 अगस्त और ये तिरंगे का फ़ोटो है। यहाँ पर मैंने एक बैच डाउनलोड किया है, इस बैच को मैंने ओके कर दिया और ये देखिए मैं इसको बहुत छोटा कर लूँगा। ये बैच आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, गूगल से। इसको आप अपने यहाँ पर चेक पर एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये। चाहे तो आप यहाँ इस पर इसको उठा के बहा नहीं रखते हुए, यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए इसको, अच्छा लगेगा बहुत। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बैनर बनाना समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में मैंने एक अच्छा सा बैनर आपको स्वतंत्रता दिवस का बनाकर दिखाया है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों इसको आप यहाँ से इस पर सेव पर क्लिक करके यहाँ पर सेव इमेज कर सकते हैं और ये सेव इमेज हो गई है। और दोस्तों ये कैसी बनकर आई है ये मैं आपके अपने गैलरी पर जाता हूँ अब। और गैलरी पर जाने के बाद मैंने ये देखिए डाउनलोड करके रखी हुई है दोस्तों, कितना खूबसूरत बैनर मैंने आपके सामने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया है दोस्तों। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत एक बैनर सिंपल से हमने एक मोबाइल से तैयार कर दिया है दोस्तों। आप भी ये बना सकते हैं, ये वाला बैनर मैंने कंप्यूटर से बनाकर दिखाया है दोस्तों। और ये बैनर का आपको अगर CDR फाइल चाहिए, आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो और अपलोड है जो मैंने इसको बनाना सिखाया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी भी मिलती रहे। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।